हेलो एवरीवन कैसे सभी लोग फटाफट से आ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से आइएगा सभी लोग आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोजन की एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों के लिए और इसमें हमें डिस्कशन करना है कुछ बेसिक बातों का ये जो चैप्टर है ठीक है हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है इसको ओके सो आज मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूंगी और बोनस जो है आप इसको टॉपिक बोल सकते हैं इसमें से एक जो है दो सवाल एक आधा सवाल जो है आ भी, सकता, और नहीं भी आ सकता है ना लेकिन अगर आएगा तो वन और टू क्वेश्चन है ना वन और टू क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं तो सभी लोग आ जाओ सेशन को कर दो शेयर लाइक like और अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और शुरू करते हैं फिर हमारी आज की इस कक्षा को बात करेंगे किसके बारे में हाइड्रोजन के बारे में हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों है इंपॉर्टेंट तो चलो जानते हैं क्यों है इंपॉर्टेंट हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है बच्चा वो क्या है वो सबसे ज्यादा सिंपल है हाइड्रोजन हमारा सबसे ज्यादा सिंपल है ओके okay. सबसे छोटा हम इसको बोल सकते हैं इसके पास जो है सबसे छोटा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसका हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का ओके okay. इसके अंदर क्या पाया जाता है ठीक है तो वन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वन प्रोटोन पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन और जीरो न्यूट्रॉन इसके अंदर मिलता है ये एकमात्र ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही बराबर होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है बच्चा तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल होता है ओके और बातें अगर जाने तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है तो हमें एटमोस्फेयर में ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है एच टू का मॉलिक्यूल बनाता है तो ये हमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में ये मिलेगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ठीक है इसकी बहुत सारी जो है हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंस है ठीक है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं

दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बच्चा ये क्या कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है वन एस वन है।, है ना तो ये क्या कर सकता है लूज भी कर सकता है वन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा एच प्लस और क्या कर सकता है ये गेन कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन बेटा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ठीक है क्या बना लेगा ये इसके दो पूरे हो जाएंगे ठीक है H माइनस और ये क्या कर सकता है शेयरिंग भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है ओके okay? तो ये तीनों काम कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है तीनों तरीके से यह यहां पर क्या कर सकता है बच्चा बिहेव कर सकता है अब अगला सवाल आया कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेगा ओके okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसको कहां रखा जाए इसको कहां रखा जाए तो ये किसके तरीके से बिहेव कर रहा है अल्कली मेटल्स के तरीके से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चा तो ये अल्कली मेटल्स के जैसा बिहेव कर रहा है

क्या करता है ग्रुप वन के तरीके से ही ऑक्साइड भी बनाता है ओके okay? हेलाइड भी बनाता है देखो जैसे आपका बनता एच टू ओ भी तो बनता है ठीक है तो ऑक्साइड हेलाइड और सल्फाइड बना लेता है ग्रुप की तरीके से. जैसे आपका एन ए सी एल बनता है ऐसे एच सी एल भी तो बनता है ठीक है तो ये सारे काम ये अल्कल मेटल्स के जैसा करता है लेकिन इसकी जो आयनाइजेशन इन है वो बहुत हाई होती है हाइड्रोजन की वेरी हाई आयनाइजेशन इन्थेलपी पाई गई हाइड्रोजन की पाई गई वेरी हाई आयनाइजेशन इंथेलपी और बहुत हाई आयनाइजेशन इंथेलपी की वजह से ये मेटल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता इट कैन नॉट एग्जिबिट इट कैन नॉट एक्जिबिट मेटालिक नेचर क्या नहीं कर सकता ये मेटल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता एक धातु अलकली मेटल्स तो धातु होते हैं तो एक धातु वाले प्रॉपर्टीज को ये नहीं दिखा सकता है ना नॉर्मल कंडीशन पे हाई आयनाइजेशन इंथेलपी होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं दिखाता तो इसकी जो आयनाइजेशन इंथेल्पी होती है बच्चा वो होती है तेरह सो बारह किलोजूल पर मोल इतनी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी देखने को मिली ठीक है जो आपका लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ 520 किलो जूल किलोजूल पर मोल के अराउंड होती है लेकिन बेटा जो आपके हेलोजन है जो आपके हेलोजन है वहां पर 1600, 1700 के अराउंड आइनाइजेशन इंथेलपी देखने को मिलती है तो इसका मतलब इसकी जो आयनाइजेशन इंथेलपी है वो किसके जैसी है हेलोजन्स के जैसी है। किसके जैसी है, बेटा? हैलोजेंस के जैसी आइनाइजेशन इंथेलपी ये दिखाता है तो इसीलिए हमने क्या कहा इसीलिए हमने कहा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके जैसी है हेलोजेंस के जैसी है तो आई ई वैल्यू इसकी किस के जैसी है हेलोजन के जैसी है और हेलोजन के तरीके से ही ये f2 cl2 के तरीके से h2 भी बनाता है और h2 की फॉर्म में भी क्या करता है बच्चा एग्जिस्ट करता है क्या करता है एग्जिस्ट करता है ओके क्लियर हो गई बात जल्दी बोलो अगर अकरेंस की बात करें अगर बेटा बात करें कितना पाया जाता है तो ये 70% सेवेंटी परसेंट ऑफ यूनिवर्स को ऑक्यूपाई करता है कौन हाइड्रोजन बहुत सारे फॉर्म से पाया जा सकता है वॉटर की फॉर्म में तो टोटल मास का सत्तर प्रतिशत है ना एटमॉस्फेयर में भी मिलता है ये ठीक है वॉटर की फॉर्म में पाया जा सकता है ठीक है हमारा जो जुपिटर है सैटर्न है ठीक है यहां पर ये जो है ज्यादातर किससे बने हुए हैं हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं आपका जो जुपिटर है सैटर्न ये दोनों ग्रह मोस्टली हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं यहां पर मोस्टली हाइड्रोजन है सेवेंटी परसेंट ऑफ यूनिवर्स का जो मास है ठीक है वो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया है वाटर की फॉर्म में ये ओशियंस में ग्लेशियर्स में पाया जाता है नदियों में है ना बहुत सारी हाइड्राइड्स आपको मिलती हैं, बहुत सारी हाइड्राइड्स जो है बच्चा आपको मिलती है प्लांट और एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल टीशूज में भी मिलता पंद्रह पॉइंट चार प्रतिशत हमारी अर्थ क्रस्ट का, का पंद्रह दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा हाइड्रोजन ने ऑक्युपाई किया है कंबाइंड फॉर्म में कैसे बच्चा कंबाइंड फॉर्म में ओके नेक्स्ट बात आती है तो 70 प्रतिशत यूनिवर्स में ये दोनों ग्रह इससे मिलकर बने हैं प्लांट्स में टिश्यूज में वाटर बॉडीज में की फॉर्म में बहुत सारे अर्थ में 15.4 जो है सरफेस जो है क्रस्ट जो है उसमें हमारा हाइड्रोजन है अगली जो बात हमारे पास आती है वो आती है इसके आइसोटोप्स की तो बेटा इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं जिसमें हमारे पास आता है वन एच वन टू डी वन और थ्री टी वन जिसमें आपका जो ये वाला जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव होता है बहुत कम मात्रा में ट्रेसेस में पाया जाता है ट्रेसेस में पाया जाता है और बहुत ज्यादा कैसा है रेडियो एक्टिव है कैसा है बच्चा ठीक है ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है ठीक है और बहुत ट्रेसेस में पाया जाता है इसका हाफ होता है बारह पॉइंट तीन तीन साल ठीक है बारह दशमलव तीन तीन साल इसका जो है अर्धायु है किसका ट्रीटियम का ओके इसके केस में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन इसके केस में क्या है बच्चा ठीक है एक प्रोटोन है ठीक है और जीरो न्यूट्रॉन है बच्चा इसके केस में वन प्रोटोन वन न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इसके केस में वन प्रोटोन टू न्यूट्रॉन ठीक है और वन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इनकी क्या होती है कंपोजिशन होती है तीनों फॉर्म्स की इस तरीके से तीनों फॉर्म्स की क्या होती है बच्चा कंपोजिशन होती है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है सबसे ज्यादा जो इसकी फॉर्म मिलती है वो मिलती है ये वाली प्रोटियम वाली ठीक है प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रीटियम इन तीन फॉर्म्स में ये पाया जाता है जो मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म है मोस्ट जो फॉर्म है तो सबसे ज्यादा प्रोटियम की की फॉर्म फॉर्म में में पाया जाता है इस ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है सबसे ज्यादा कैसे एग्जिस्ट करता है सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है प्रोटियम की फॉर्म में बोलो जरा फटाफट से क्लियर हो गई यहां तक बातें जल्दी बोलिए बेटा यहां तक बातें क्लियर हो गई फटाफट से बोलो जल्दी से बोलो जल्दी बोलिए ओके नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं विरचन इसका किस तरीके से किया जा सकता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं पहला तरीका क्या होता है ठीक है पहला तरीका होता है जिंक को एन के साथ ट्रीट करो मेटल्स को बहुत सारे मेटल्स जो है एन के साथ ट्रीट होकर क्या दे देते हैं हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है बच्चा दूसरा तरीका होता है आपका जिंक को अगर आप एसिड के साथ भी ट्रीट कर दोगे जेडिन को HCL के साथ ट्रीट कर लो वहां से भी मिल जाएगी हाइड्रोजन वहां से भी मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में तो इन तरीकों से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हाइड्रोजन को बनाने के हाइड्रोजन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिस आप कर सकते हैं वाटर का ठीक है क्या कर सकते हो इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर आप करेंगे उससे भी आपका क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगा कोई मुझे बताएगा ठीक है इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कैसे बनेगा कहां पर मिलेगा आपको H प्लस बताओ पर मिलेगा ठीक है हाइड्रोजन कहां मिलेगी जल्दी बोलो जल्दी बोलो फटाफट से इलेक्ट्रोलिसिस में फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में जल्दी बोलो जल्दी बताइए देखो इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चा आपके पास क्या है H प्लस है और OH एच माइनस है H प्लस है और OH एच माइनस है है ना वाटर लोगे एक एसिडिफाइड अगर वाटर लोगे आप तो क्या होगा बच्चा एच प्लस प्रेजेंट होगा और ओ OH एच माइनस प्रेजेंट होगा ठीक है ऐसे ही तो करते है ना दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ऐसा ही होता है यहां पर हम हमारा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो अब आपका H प्लस कहां जाएगा H प्लस जाएगा इधर और OH माइनस जाएगा इधर ठीक है इसी तरीके से अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को अप्रोच करेगा इसी तरीके से बच्चा अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को अप्रोच करेगा तो एच प्लस यहां जाकर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या दे देगा आपको हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी कैथोड पर तो ये एक तरीका है ओ एच माइनस क्या दे देगा आपको इधर ऑक्सीजन गैस दे, दे देगा तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं एच टू को प्रिपेयर कर सकते हैं बताइए जरा समझ में आ गई जल्दी बोलो फटाफट से जल्दी बोलो फटाफट से बोलिएगा स्टीम के साथ अगर ट्रीट किया जाए हाइड्रोकार्बन्स है को हाइड्रोकार्बंस जो आपके हैं इनको अगर ट्रीट किया जाए किसके साथ भाप के साथ स्टीम के साथ ठीक है स्टीम के साथ अगर हम इनको ट्रीट करें हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2 टू मिलती है जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, ये जनरल फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अगर इसको भाप के साथ स्टीम के साथ आप ट्रीट करते हैं आपको कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां पर मिलती है ओके और ये जो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है बच्चा इसको कहा जाता है सिंथेसिस गैस इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है वाटर गैस सिंथेसिस गैस इसको कहा जाता है कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन को सिन गैस भी हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं सिन गैस के नाम से भी ये जानी जाती है ये मिक्सचर ओके okay, तो हाइड्रोकार्बन को स्टीम uh, के साथ ट्रीट करके ठीक है बहुत हाई टेम्परेचर पर कुछ 1270 1300 सत्तर के अराउंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल एस कैटलिस्ट हम कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ओके okay, समझ में आ गई बात इसी कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट कर दे ठीक है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल जाती है कार्बन मोनोक्साइड को अगर वाटर से ट्रीट करें तो यहाँ से भी हमें कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाती है ये वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है क्या कहलाती है वाटर शिफ्ट रिएक्शन इसको कहते हैं हाइड्रोजन को ठीक है कार्बन मोनोक्साइड okay? के साथ रिएक्ट करके ठीक है हम क्या बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम ओके स्टीम के प्रेजेंस में ही हाई टेम्परेचर पर ही हम क्या बना सकते हैं बच्चा तो हम यहां पर यह बना सकते हैं CO2 टू प्लस एच टू गैस जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं इसको रिएक्शन कहा जाता है ओके नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रॉपर्टीज आती है हाइड्रोजन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चा बात करूं अगर बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर भौतिक गुणों के बारे में बात करूं भौतिक गुणों के बारे में बात करूं तो बेटा कैसी होती है कलरलेस होती है कैसी होती है कलरलेस ऑर्डरलेस है ना और कैसी होती है इनसॉल्यूबल इन वाटर होती है पानी में नहीं घुलती ठीक है ना कोई रंग होता है ना कोई स्मेल होती है इसकी और क्या होती है ये टेस्टलेस होती है ना कोई टेस्ट होता है लेकिन ये एक लाइट गैस है कैसी है हल्की गैस है लाइट गैस है और क्या है कंबस्टिबल है क्या है बच्चा कंबस्टिबल है ज्वलनशील है ये जलाई जा सकती है और कैसे जलती है पॉप साउंड के साथ जैसे आपका पट पटाखा फूटता है गुब्बारा फूटता है ऐसी साउंड के साथ ये जलती है ऐसी साउंड के साथ बच्चे ये क्या करती है जलती है ठीक है नेक्स्ट बात करें किसके बारे में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो बच्चे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस होती है ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस है ना बहुत हाई वेरी हाई बॉन्ड डिस होती है एच एच बॉन्ड की कोई मुझे बताएगा क्यों क्यों होती है मेरा बेटा एच एच बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन इंथेलपी कौन बताएगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो एच एच बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन इंथेल्पी क्यों होती है क्यों एच एच बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन इंथेल्पी होती है क्यों जो है एच एच बॉन्ड जो है आपका उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बोलो जल्दी फटाफट से एच एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए क्यों चाहिए एचएच बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जल्दी बोलो देखो बेटा कोई बॉन्ड बना है तो हाई डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि वो बॉन्ड स्टेबल है हाई डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब है हाई डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि वो बॉन्ड आपका कैसा है स्टेबल बॉन्ड है हाई डिसोसिएशन एनर्जी से हम क्या समझते हैं कि वो एक स्टेबल बॉन्ड है और स्टेबल sta बॉन्ड कैसे बना होगा तो स्टेबल स्टेबल बॉन्ड बना होगा जो बेटर ओवरलैपिंग हुई होगी स्टेबल बॉन्ड कैसे बना होगा बेटा तो स्टेबल बॉन्ड बना होगा जब बेटर ओवरलैपिंग हुई होगी और बैटर ओवरलैपिंग ठीक है तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ओवरलैप 1s -1s हुआ होगा अगर बॉन्ड बना है तो वन एस वन एस का ओवरलैप हुआ होगा एच एच बॉन्ड बना है तो छोटा साइज एन की वैल्यू जितनी छोटी उतना बेटर ओवरलैपिंग जानते हैं हम लोग ठीक है वन एस वन एस के बीच में जब ओवरलैप हुआ होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बच्चे आपका ज्यादा रहा होगा 1s 1s-1s ओवरलैप में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बेटा यहाँ पर ज्यादा रहा होगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है ठीक है समझ में आ गई बात ओके बोलो जल्दी फटाफट से जल्दी बोलो चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे करता है अब देखते हैं रिएक्शंस हाइड्रोजन की कैसी होती है तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन विद हेलोजन्स. तो एच टू सी एल टू के साथ भी हेलोजन रिएक्ट करके क्या बना देता है एच एक्स बना देता है वहां पे एक्स आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है तो हाइड्रोजन हेलाइड्स आपकी बनती है ठीक है नेक्स्ट बच्चा क्या होता है हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और क्या बना सकता है वाटर क्या बना सकता है बेटा यहाँ पर वाटर बना सकता है और जो डेल्टा एच है वो माइनस टू एटी फाइव जूल के अराउंड होती है इस रिएक्शन की कितनी होती है माइनस टू एटी फाइव जूल पर मोल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका वाटर भी बना सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बच्चा आपका क्या बना सकता है वाटर भी बना सकता है अगला हाइड्रोजन को अगर एन टू के साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाती है एच टू को अगर एन टू के साथ कंबाइन करोगे तो क्या बनती है बेटा बताना बताना क्या बनती है जल्दी बताओ अमोनिया और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है फटाफट से नाम बताओ इस रिएक्शन का जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी से बताओ ये भी एक बढ़िया रिएक्शन होती है इसका डेल्टा एच होता है इतना बोलो जल्दी फटाफट हाइड्रोजन एन टू के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना देता है नाम क्या है इस प्रोसेस का जल्दी तो इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चा हैबर्स प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं इसी तरीके से हम अमोनिया बनाते हैं आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं कुछ छह सौ तिहत्तर दो सौ प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रेशर पर आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करके हम क्या बनाते हैं अमोनिया गैस बनाते हैं अमोनिया गैस बनाते हैं नेक्स्ट क्या करता है हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बना सकता है अगला क्या करता है बेटा हाइड्राइड्स बना सकता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पर अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है हाइड्राइड्स बनाती है कैसी हाइड्राइड्स आइनिक हाइड्राइड्स बनाती है ओके तो क्या कर सकता है मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स क्या करते हैं कंबाइन विद हाइड्रोजन कंबाइन विद एच दिद टू टू फॉर्म हाइड्राइड्स क्या बनाते हैं तो ये एच टू के साथ कंबाइन करके MH बनाते हैं क्या बनाते हैं बच्चा एम एच बनाते हैं हाइड्राइड्स बनाते हैं ओके ठीक है ओके बच्चा बहुत सारे जो है क्या कर सकता है मेटल आयंस को रिड्यूस भी कर सकता है बहुत सारे मेटल आयंस को रिड्यूस भी कर सकता है जैसे एच प्लस को अगर ट्रीट करो पीडी टू प्लस के साथ है ना बहुत सारे मेटल आयंस का रिडक्शन भी ये कर सकता है ठीक है आपके जो मेटल आयन है उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है है ना तो क्या कर सकता है खुद H2 से H में चला जाएगा और इसको Pd में पहुंचा देगा तो हाइड्रोजन मेटल्स का रिडक्शन कर देता है रिडक्शन कर देता है अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा किस मेटल को रिड्यूस करेगा किसको नहीं करेगा तो इसका जवाब कौन देगा बेटा तो इसका जवाब देगी आपकी एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज सोडियम पोटेशियम वाली जो एक्टिविटी सीरीज है ना उसमें उसमें बताएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मेटल्स जो है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है है ना उनको तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता ठीक है लेकिन जिनका है ना क्या होगा इससे कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल उनको बच्चा ये क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा उनको ये क्या कर देगा बच्चा रिड्यूस कर देगा और भी बहुत सारी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है जैसे कि जैसे कि जितने भी आपके हैं, है ना इनको निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करके हम सैचुरेटेड बना लेते हैं है ना वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं हम हाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजन को ऐड करके ठीक है तो हम तेल को घी में बदल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल है ना हाइड्रोजन को ऐड करके बहुत सारी जो है रिएक्शंस हो सकती है ठीक है ये जो है और भी यूज होता है कहाँ यूज होता है बच्चा बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है देखो इसके यूजेस की बात करूं तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है ठीक है वेजिटेबल है ना फैट्स हाइड्रोजिनेशन करता है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं नेक्स्ट ये जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाने के काम आता है ठीक है सेकेंड ये सिन सिन गैस गैस है ना syngas में प्रेजेंट होता है और उसका यूज होता है ठीक है सिन गैस के सभी यूज में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है थर्ड बच्चा ठीक है हाइड्रोजन आपका क्या कर सकता है हाइड्रोजन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल बना सकता है क्या बना सकता है तो ये मिथेनॉल बना सकता है कैटलिस्ट को यूज करके मेटल हाइड्राइड्स बना सकता है क्लोराइड्स बना सकता है बहुत सारे यूजेस हैं ठीक है बहुत सारे यूजेस हैं ठीक है इसको हम एज ए कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल बना सकते हैं ठीक है आ, ये एच बना सकता है जो कि एक ठीक है एक केमिकल है जिसको इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ करते हैं इसको ठीक है अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में यूज़ होता है अमोनिया गैस हमारी फर्टिलाइजर्स में ठीक है डिकम्पोजिशन में बहुत इस्तेमाल होती है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में ठीक है उसका रोल है वहां पर तो बहुत सारे यूज़ है ओके फ्यूल सेल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसको यूज़ किया जाता है फ्यूल सेल में इट इज़ यूज इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है ना फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ओके okay, बच्चा ठीक है और कहाँ यूज करते हैं इसको ठीक है बहुत सारे जो है इसके क्या है यूजेस हैं बहुत सारे क्या है बच्चा इसके यूजेज हैं है ना ट्रिमेंडस यूजेस हैं ना हम गिन भी नहीं सकते इतने यूजेस हैं अब अगला सवाल आता है हाइड्राइड्स कितने तरीके की होती है तो बेटा आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक तीनों तरीके की हाइड्राइड्स हो सकती है आयनिक हाइड्राइड्स भी हो सकती है कोवलेंट हाइड्राइड्स भी हो सकती है और मेटालिक हाइड्राइड्स भी हो सकती है ओके आयनिक सलाइन भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? और जो है कोवलेंट मॉलिक्यूलर भी और मेटालिक नॉन स्टॉइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी इनको कहा जा सकता है ओके okay. अब सबसे पहले सवाल आता है ठीक है किसके बारे में आयनिक हैलाइड्स के बारे में सबसे पहला सवाल आता है बच्चा आयनिक हैलाइड्स के बारे में ठीक है तो ये कैसी होती है पहली बात तो किसकी होती है तो अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हाइड्राइड्स होती है वो आयनिक होती है ओके तो सबसे पहली बात अगर हम करें आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स की आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स की बात करें बेटा तो इस कैटेगरी में हमारे पास आता है कौन अल्कली मेटल्स एन LiH, KH के एच ये सभी आयनिक होती है और और अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड्स अर्थ मेटल हाइड्राइड्स में हमारे पास क्या क्या है जैसे कि बी ए एच टू एम जी एच टू है ना सी एच टू ठीक है बी एच टू ये सब बच्चा अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो हाइड्राइड्स है ये भी आयनिक होती है ठीक है क्रिस्टलाइन होती है नॉन वोलेटाइल होती है नॉन कंडक्टिंग होती है क्रिस्टलाइन है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है नॉन वोलेटाइल होती है, है ना वाष्प में वाष्पशील नहीं होती ठीक है नॉन कंडक्टिंग भी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती है ना चालकता है ना कुचालक चालक होती है कुचालक होती है ठीक है अवाष्पशील होती है बेटा ये हाइड्राइड्स ओके ठीक है क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है लेकिन लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में ले ली जाए अगर बेटा किस में ले ली जाए अगर मोल्टन स्टेट में ले ली जाए अगर तरल अवस्था में ले ली जाए अगर इनको मोल्टन स्टेट में ले लिया जाए तरल अवस्था में ले लिया जाए तो फिर बेटा ये कैसी होती है तो तरल अवस्था में ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव करने लगती है तरल अवस्था में कंडक्टर के तरीके से बच्चा क्या करने लगती है बिहेव करने लगती है ठीक है ओके समझ में आ गई बोलो जल्दी जैसे कि आपका पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कर देती है फॉर एग्जाम्पल एनएच वाटर के साथ इंटरक्ट करोगे एनएओएच बना देगा साथ में हाइड्रोजन गैस तो वॉयलेंट होती है ठीक है वॉटर के साथ इंटरक्ट करती है ओके ठीक है लीथियम की जो हाइड्राइड होती है वो अनरिएक्टिव होती है लिथियम की जो हाइड्राइड्स होती है बच्चा वो अनरिएक्टिव होती है अगर आप एल को ट्रीट करोगे ना Be2H6 के साथ मानो आपने ट्रीट कर दिया ठीक है तो आपको यहाँ पर LiBH4 देखने को मिल जाएगा अनरिएक्टिव हाइड्राइड्स होती है लिथियम की ठीक है अनरिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है एक तरीके से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है ठीक है Li+ और H- वहां पर स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आती है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हेलाइट्स अगली आती है बच्चा कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हेलाइट्स अब ये कौन सी होंगी ये कौन सी होगी बेटा कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन सी होंगी तो अगर ग्रुप वन और ग्रुप टू वाली आयनिक होती है तो इसका मतलब तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह है ना इनकी सबकी जो होगी वो कोवलेंट होगी इनकी सबकी जो होगी वो कोवेलेंट होगी बेटा है ना अगर वो आयनिक है वो आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है तो जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनते होंगे वो सब कोवेलेंट होंगी वो सब कोवेलेंट होंगी जैसे कि आपकी सी एच फोर जैसे कि आपकी एन एच थ्री जैसे कि आपकी एच टू ओ जैसे कि आपकी एच एफ ये सब आपकी क्या होगी कोवलेंट होंगी ये सब क्या होंगी बच्चा ये सब आपकी कोवलेंट होती है ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सब ये सब होते हैं. ये सब सब होते हैं। वाष्पशील होंगी कोवलेंट कंपाउंड होंगे ये सब क्या होंगे कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे लेकिन यहां पर भी हमारे पास क्या होंगी तीन कैटेगरीज की आएंगी एक आएंगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है एक आएंगी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइस मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उतने हैं उनके पास और एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइट्स एक होगी बेटा जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तीन कैटेगरीज में मॉलिकुलर हाइड्राइड्स को हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं इनको बच्चा डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होगी है ना इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होगी वो कौन सी होंगी तो ग्रुप तेरह की होंगी बेटा ग्रुप थर्टीन वाली जैसे कि बी टू एच सिक्स ग्रुप थर्टीन की जो हाइड्राइड्स होगी ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होंगी है ना इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होगी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन सी होंगी जैसे कि सी एच फोर ग्रुप फोर्टीन वाली ग्रुप चौदह वाली जो है बच्चा वो कैसी होंगी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगी ठीक है और इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होंगी तो पंद्रह से सत्रह वाली इलेक्ट्रॉन रिच होंगी क्या होंगी इलेक्ट्रॉन रिच होंगी ठीक है चलो देखते हैं बी टू एच सिक्स में हमें क्या करना पड़ता है ठीक है तो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ब्रिज बॉन्डिंग होती है है ना क्या करने के लिए टू कंप्लीट ऑक्टेट इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी इसीलिए तो ब्रिज बॉन्डिंग हुई इसीलिए तो है ना ब्रिजिंग हुई ओके सी एच फोर में तो कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए और आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब चलो अमोनिया की तरफ वाटर की तरफ एचएफ की तरफ अगर इनकी बात करूं तो नाइट्रोजन तो बेटा ये भी तो एक हाइड्राइड ही है लेकिन इसके पास तो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है है ना एचएफ के पास भी फ्लोरीन के पास क्या होंगे अपने लॉन पेयर्स होंगे इसका मतलब जो पंद्रह सोलह और सत्रह की जो हाइड्राइड्स है बच्चा वो किसका काम कर सकती है लुइस बेसिस का काम कर सकती है उनके पास लॉन पेयर है डोनेशन के लिए उनके पास क्या है बच्चा लॉन पेयर है डोनेशन के लिए बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो अब देखो जो आपकी NH3 है एस टू ओ है और एच एफ है, है ना एक्सपेक्टेड तो क्या था कि इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं अपने ग्रुप मेंबर हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उम्मीद तो इस चीज की थी है ना क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा लेकिन एक चीज के बारे में आप जानते हो और वो चीज क्या है जिस चीज के बारे में आप जानते हो वो चीज क्या है बच्चा वो चीज है क्या तो वो चीज है बच्चा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो चीज क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में हाइयर बॉइलिंग पॉइंट दर्शाएंगे क्या दर्शाएंगे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट दर्शाएंगे तो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में ठीक है तो एन एच थ्री एच टू ओ और आपका एच एफ तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनल बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल बिहेवियर बिकॉज बिकॉज ऑफ वॉट तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यह यहां पर क्या कर लेते हैं ऐसे एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ऐसे एसोसिएटेड फॉर्म में में एग्जिस्ट करते हैं एसोसिएशन एक, कर एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं बच्चा तो फिर इनके केस में क्या देखने को मिलता है ठीक है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और इनको क्या करने के लिए बॉइल ऑफ करने के लिए तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा देखने को मिलेगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो हाइड्राइड्स है डी एंड एफ ब्लॉक हाइड्राइड जो होती है ठीक है वो होती है मटैलिक हाइड्राइड्स वो होती है मटैलिक हाइड्राइड्स डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स बनाते हैं सात आठ और नौ इन ग्रुप के मेटल्स इन ग्रुप के मेटल्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते डी ब्लॉक आपका कहां से कहां तक होता है तो तीन से बारह होता है डी ब्लॉक ठीक है और जहां पर सात से नो जो है वो क्या नहीं बनाते बच्चा हाइड्राइड्स नहीं बनाते और जो ग्रुप छे है उसमें सिर्फ क्रोमियम बनाता है ग्रुप सिक्स में ओनली सी आर एच मिलती है कौन सी मिलती है सी आर एच ओके बेटा ठीक है बाकी सब जो है वो हाइड्राइड्स बनाते हैं ठीक है ओके okay. तो क्या है कहानी इनकी ठीक है तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है बच्चा ठीक है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है ठीक है क्या देखने को मिलता है एड्जॉर्प्शन देखने अलग अलग जो है ना स्टोरीज आई पहले स्टोरी क्या आई थी कि इंटरस्टीशियल साइट पर होता है पहले स्टोरी ये आई थी कि वो जो भी मेटल है उसका अपना क्रिस्टल है और जो बीच बीच में खाली जगह है वहां पर जाकर हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है तो इंटरस्टिशियल साइट्स पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है पहले तो स्टोरी ये आई ठीक है फिर स्टोरी आई फिर थ्योरी आई कि जो प्लैटिनम पैलेडियम है पीटीपीडी पी है वो सरफेस पर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेंगे सरफेस पर क्या कर लेंगे हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेंगे उसके बाद स्टोरी ये आई ठीक है तो लेकिन जो आपका पैलेडियम प्लैटिनम है ठीक है उनके पास जो है बहुत ज्यादा सोर्स होता है हाइड्रोजन के एड्सॉप्शन का ठीक है ओके।, ओके ओके अब सवाल आता है कि क्या पीएच फाइव एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट और Doesn't exist. इसके बाद इसमें जो है वाटर का और है इसी चैप्टर में ठीक है वाटर के बारे में डिस्कशन है उसमें फिर हार्डनेस ऑफ वाटर है आगे आपका ठीक है एक्सट्रक्शन है वाटर का स्ट्रक्चर है बहुत सारी चीजें हैं ठीक है थीके? उसको मैं एक और जो है एक क्लास में जो है कवर अप करूंगी ओके आज के भी ये सारा डिस्कस किया है हाइड्राइड्स और ये सब प्रॉपर्टीज फिर जो वाटर वाला सेक्शन है परमानेंट हार्डनेस का ठीक है वाटर का बहुत सारा वाटर से रिलेटेड भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में तो वो मैं एक और जो है सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी फिजिक्स की नेक्स्ट कल की क्लास में ओके okay, बेटा ठीक है अब एक जो है सवाल बनता है यहाँ से पी एच जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है कारण बताओ क्या होगा पी एच फाइव एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा व्हाट इज द रीजन व्हाई पी एच फाइव डजेंट एग्जिस्ट देखो बेटा ये जो एच एच है ना ठीक है ये इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है इसीलिए ये जो pH और H2 के बीच में combination है वो नहीं हो पाता है, ठीक है लेकिन पी एच फाइव नहीं बनता ठीक है क्योंकि क्या नहीं होता इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है हाइड्रोजन का ठीक है और जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इन वैल्यू है और जो इसका बॉन्ड लिसर्सीएशन एनर्जी था ये दोनों एनर्जीज़ जो है फेवर नहीं करती पीएच 5 के फॉर्मेशन को ये दोनों एनर्जीज़ पीएच 5 के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती एक और तरीके से समझाऊं देखो बेटा फास्फोरस जो है वो 3s2 3p5 होगा यही होगा ns2 np3 होगा सॉरी ns2 np3 होगा 3s2 3p3 पता है क्या होता है ये थ्री एस है और ये थ्री पी थ्री है ना अगर आपको पांच बॉन्ड बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करना होगा और पांच जो है आपको वन वन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले और बाइटल चाहिए तभी वहां पे बॉन्डिंग हो सकती है तभी H वहां पर जो है बॉन्ड बना सकता है लेकिन इसके लिए आपको एक्साइटेशन करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन की और ये जो ऐसा एक्साइटेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो करा पाते हैं क्योंकि उनकी खींचने की टेंडेंसी बहुत होती है तो वो खींच लेते हैं खींचने की वजह से इस डिस्टेंस को एनर्जी गैप को कम कर

एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का होगा ही नहीं जब तक ये अनपेयर्ड नहीं होंगे सारे तब तक जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो mixing नहीं होगी होगी मिक्सिंग और और की इसको इसको कराने के लिए, ठीक है? इसको कराने के के लिए लिए ठीक ठीक है 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 पर उतना जो है आपका हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं है ठीक है तो वो यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाता इसी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं हो पाती तो आपसे पूछा जाए तो ये एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से पी एच फाइव नहीं बनता है वो एक ड्रैगो कंपाउंड है वो एक ड्रैगो कंपाउंड है ठीक है तो ये पी एच फाइव नहीं एग्जिस्ट करेगा और जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे ग्रुप तेरह फोस्फोरस से इस तरफ उन सब में किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी किसी में हाइब्रिडाइज पी एच थ्री भी बनेगा तो डायरेक्ट ये तीनों के साथ बॉन्डिंग होगी कोई मिक्सिंग नहीं होगी उसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी इसीलिए पी एच थ्री में किसी भी बुक में उठा के देखना नब्बे डिग्री का एंगल मिलता है हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी sp3 होगा तो 109 आएगा ना उसमें 90 होता है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 पे होंगे ये तो p ऑर्बिटल्स में है जिस भी ऑर्बिटल में 90 डिग्री पे है तो बच्चा p में ही है है ना p में ही है ना ये यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है ठीक है तो यहां पर बच्चा

कई बार एग्जामिनर डाल भी देता है और कई बार नहीं भी डालता है ठीक है लेकिन पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, है ना हमें तो पढ़ना तो सब कुछ ही है तो फटाफट से मुझे बता दो मजा आया एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपना फ़ोन उठाए प्ले स्टोर में जाए टाइप करें एग्जाम्पुर लोगों के साथ आपको नजर आएगा उसको वहां से इंस्टॉल करें अपने आप को रजिस्टर करें और एप्लीकेशन परिवार का हिस्सा आप बन पाएंगे फटाफट मुझे बताओ मज़ा आया हाइड्रोजन को पढ़ने में ठीक है धुआंधार था टॉपिक जल्दी बता दो फटाफट से चलिए तो इसके साथ ही अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का टाटा बाय बाय